एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड. इफ द लेंथ ऑफ वाई इज टू थर्ड ऑफ द एक्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वाई. ओके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ट्रेन एक्स कितना में चल रहा है? ट्रेन एक्स चल रहा है 74 में. ओके और ट्रेन वाई कितना में चल रहा है? ट्रेन वाई चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर में. ओके बोल रहा है अपोजिट टू ईच अदर. ओके तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा मेरा? रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट में होगा, एक इधर से आ रहा है एक उधर से जाएगा, तो क्या होगा? जब भी मेरा स्पीड क्या होगा? प्लस हो जाएगा. ओके सो 4 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 6. 7 में 2 12. सो 126 किलोमीटर पर आवर जो आया मेरा, इसका रिलेटिव स्पीड आया. ओके तो स्पीड मेरा आ गया वहाँ. टाइम मुझे दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में? 12 सेकेंड. ओके अब मुझे यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना है? 126. देखिए मीटर में फाइंड करने बोला, इसलिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 इंटू 12. ओके यहाँ तक आपको पता चल गया होगा. अब यहाँ से कैंसिल कीजिए. 6 2 12, 6 3 18, 3 1 3, 3 4 12 और 3 2 6. ओके सो 42. 5 2 10 हो गया. 10 into 42 और एक जीरो पुट कर दीजिए. सो 420 क्या आया मेरा? मीटर आया, जो टोटल डिस्टेंस है. ओके अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना है. इफ द लेंथ ऑफ वाई इज टू थर्ड ऑफ द एक्स, लेंथ ऑफ वाई इज टू थर्ड ऑफ द एक्स. अगर एक्स 3 है तो वाई क्या है? 2 है. ओके ये समझना आपको क्वेश्चन से. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ए पुट कीजिए, वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए. अब कीजिए सो 3a प्लस मेरा 2a इक्वल्स टोटल डिस्टेंस जो आया मेरा 420. अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 5a इक्वल्स टू मेरा कितना? 420. तो कितना हो जाएगा ए इक्वल्स टू? कितना हो जाएगा? 5 1 5 5 8 40 5 8 40, 2 1 5 4 20. ओके सो 84 आ गया. ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 84 आ गया. तो अगर ए का वैल्यू 84 आ गया तो मुझे बोला है वाई का वैल्यू फाइंड करने. तो वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू है मेरा 2a. सो 2 इंटू ए क्या आया मेरा? 84. सो 84 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 84 इंटू 2 करेंगे तो 168 आ जाएगा. तो 168 मीटर जो होगा मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि वो ट्रेन वाई का वो था, मतलब लेंथ था. ओके सो थैंक यू.